हैदराबाद के कुछ अच्छे प्लेस हैं और बहुत सारी जगह है यहाँ पे जहाँ घूमने के लिए बहुत अच्छा है। तो मैं चाहता हूँ आपको ब्लॉग के माध्यम से ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर कराऊँ। वीडियो को और इस आने वाली वीडियो को ज़रूर देखें और तो बने रहिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कंटिन्यू, थैंक यू। भारत में काफ़ी जगह है जहाँ घूमने के लिए बहुत अच्छा है, वैसे ही आज मैं आपको साउथ की ओर लेके जाऊँगा, साउथ इंडिया। यहाँ बहुत सारी जगह है घूमने को और इस बार हम हैदराबाद में हैं, तो अब दूसरी ब्लॉग कहाँ का बनेगा ये आगे डिसाइड होगा। ओवरऑल मैं यहाँ का पूरा कवर करना चाहूँगा क्योंकि हैदराबाद एक बहुत बड़ी सिटी है, तो इसलिए मैं इसके बहुत सारे प्लेलिस्ट डाल दूँगा। फिलहाल वीडियो को देखने से पहले अभी हम नेकलेस रोड की ओर जा रहे हैं, यहाँ से हम अपनी ट्रिप को स्टार्ट कर रहे हैं नेकलेस रोड। ये है नेकलेस रोड का वे जहाँ से हम जाते हैं और बहुत सारा अच्छा नज़ारा हमको दिख ही जाता है इन द वे, और अब कुछ देर में हम पहुँचने ही वाले हैं नेकलेस रोड, तो दिखाते हैं आपको कैसे हूँ। ये हम स्टेशन से बाहर आते हुए ये नेकलेस रोड का पूरा व्यू है, पूरा तो नहीं कहूँगा लेकिन जितना दिख रहा है ये सारा ही नेकलेस रोड है। यहाँ पे लोग आप देख सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ पे घूमने आ रखे हैं और काफ़ी लोग यहाँ पे खेल भी रहे हैं, बच्चे लोग। तो अब आगे भी दिखाएंगे आपको कितना सारा है यहाँ घूमने को, कितना सारा है आपको यहाँ देखने को। और ये यहाँ पे सवारी हो रही है, अब हम यहाँ से थोड़ी सी रोड पार करेंगे। तो ये यहाँ पे अभी नेकलेस रोड पे पहुँच गए हैं, मेन लोकेशन यही है नेकलेस रोड की। देन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को, ये अभी हम गार्डन के अंदर एंटर कर चुके हैं और आप देख सकते हैं काफ़ी लोग खेल रहे हैं और कोई पूरी फैमिली लेके, बच्चे बूढ़े जवान सब यहाँ पे घूमने आ रखे हैं और ऐसे ही व्यू का मज़ा ले रहे हैं। बस यहाँ पे दुकानें भी हैं छोटी मोटी, देख सकते हैं। कोरोना की तीसरी वेव आने के कारण यहाँ पे पुलिस तैनात है और मास्क लगाना ज़रूरी है, कोई बिना मास्क के यहाँ आना फाइन चार्ज करवाना जैसा ही है, तो मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। इस पर मास्क पहन के हर जगह जाओ कोविड की वजह से, तो देन ठीक है। अभी यहाँ पे बहुत गर्मी है और पानी भी नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पानी मिल पाना बोले तो बहुत मुश्किल है, और यहाँ पे पानी का पाउच मिलता है दो रुपए का छोटा सा पाउच मिलता है, एक गिलास बराबर उस पर पानी होता है, फिर उसको पी के हमने अपनी प्यास बुझा लेनी है, तो यही जुगाड़ होता है। ठीक है, मौसम ठीक है, यहाँ पे लोग भी बहुत सारे आ रखे हैं, खेल रहे हैं, बच्चे लोग खेल रहे हैं, देख के मज़ा आ रहा है।